हेलो स्टूडेंट, पार्ट 3 कक्षा 7 हिंदी। तो बच्चों, आप लोगों की एक्सरसाइज हमने प्रश्न 2 तक पूर्ण की। अब आएगा आपका प्रश्न 3, जो हमारा होता है पेपर पैटर्न वाइज व्याकरण। तो बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक निकालिए, हम उनमें से प्रश्न 3 जो हमारा व्याकरण विभाग होता है वह हम देखेंगे। तो प्रथम आपके हाथ में पेंसिल होनी आवश्यकता है और टेक्स्ट बुक भी खुली होनी चाहिए, और मैं जब भी बोलती जाऊंगी आप उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है? तो आइए, पेज नंबर 18, टेक्स्ट बुक इज ओपन, ठीक है बच्चों? चलो स्टूडेंट, ये सारे व्याकरण आप अपने नोट में लिखोगे और ये याद रखना है, मैं जो बोल रही हूँ वो अच्छी तरह आपको समझना है। तो पहले समझ लीजिए एकदम, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। तो मैं पढ़ रही हूँ वो आपको ध्यान देना है। नंबर 1 है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। 2, आज स्कूल में छुट्टी है। 3, रमेश बाग में खेलता है। प्रयुक्त वाक्य में रेखांकित किए गए, जैसे कि चलते हैं, छुट्टी है, खेलते हैं, ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। तो इन शब्द को आप पढ़िए, कैसे चला, चलते हैं, ये क्रिया कर रहे हैं, छुट्टी है, खेलता है, क्रिया हो रही है, इसका बोध हो रहा है, ठीक है? तो हो रही है, अभी जो चल रहा है ना, उनको ये जो बोध कराते हैं उनको बोलते हैं वर्तमान काल। तो क्रिया के रूप में क्रिया होती है या तो हो रही है ऐसा बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, जैसे हमारा अभी का जो डे चल रहा है, रनिंग हम जो कर रहे हैं उनको बोलते हैं वर्तमान काल। जो आपका 3 होते हैं हमारे काल, भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल। और इसी तरह आपको ये सेंटेंस समझकर आपको पता चल ही जाएगा, अभी आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद चलेगा कि ये वर्तमान है कि भविष्य है कि भूतकाल है। तो पहले हमने वर्तमान का समझा, अब आएगा दूसरा। तो बच्चों, इसमें लिखा है वर्तमान की जानकारी देने को रेखांकित कीजिए। तो वर्तमान काल यानी क्या पता है आपको? इंग्लिश में बोलते हैं उसको प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी कि अभी जो चल रहा है, ठीक है? तो मैं सेंटेंस बना रही हूँ, देखो, मैंने उसे फूल दिया। अभी यानी कि दिया, मैं बाजार जाता हूँ, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अभी चौथे फोर्थ सेंटेंस में देखिए, चूहे उछल कूद कर रहे थे, पहले कर रहे थे, अभी नहीं, अभी वर्तमान प्रेजेंट में नहीं बता रहे हैं। वह विद्यालय जा रहा है, फिर हम प्रयाग जाएंगे, जाएंगे अभी क्रिया नहीं कर रहे, अभी कोई सेंटेंस ऐसा नहीं बता रहा है जाएंगे। तो हमें यह वाक्य पढ़ोगे उसी हिसाब से ही आपको पता चलेगा कि वर्तमान है कि भविष्य है कि भूतकाल। तो बच्चों, आपको पहले डेफिनेशन अवश्य समझनी है, उनके बाद ही ये वाक्य पे अंदाजा लगेगा कि वर्तमान की जानकारी दे रहे हैं कि भूतकाल की। ओके स्टूडेंट, उनके बाद की एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। तो पहले सुनिए आप, मैं पढ़ रही हूँ वो। 1, मीना कल मुंबई गई। 2, हेमंत ने पत्र लिखा। 3, माँ ने दिया जलाया। 4, गीता ने पानी पिया। तो उपयुक्त रेखांकित किए गए, जैसे कि गई, लिखा, जलाया, पिया, वह क्रिया पूरी हो गई है। वर्तमान में क्या था? क्रिया चालू है। और यहाँ पे हमारे भूतकाल में क्या हो गया? क्रिया पूरी हो गई है, तो वो सारे क्या हो गए? भूतकाल, पहले हो गया था। गीता ने पहले पानी पिया था, दिया जलाया है नहीं है, जलाया। हेमंत ने लिखा, मुंबई गई, वो क्रिया पूरी हो गई है। इसीलिए वो जो क्रिया, जिस रूप में क्रिया हो गई है उसका बोध कराए उसे भूतकाल कहते हैं। जो अभी क्रिया चालू है तो वर्तमान, जो भूतकाल है, भूतकाल को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीटी, राइट? तो हम दूसरे सेंटेंस में जाएंगे। स्टूडेंट, डेफिनेशन पे ध्यान बिल्कुल दीजिए। तो अब हमें भूतकाल के रेखांकित किए हैं उन शब्दों को देखेंगे। देखो, नंबर 1 है, मैंने उसे फल दिए, क्रिया पूरी हो गई है। 2, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, वो भी क्रिया पूरी हो रही है, पढ़ रहे हैं नहीं है, पढ़ रहे
थे, यानी भूतकाल के सेंटेंस है। तीन नंबर में लिखा है गांधीनगर गुजरात में है वर्तमान है वह है। चार, ये चित्र आपको कल दूंगा, अभी की बात नहीं है, कल दूंगा, यह अक्षर सूखा पड़ता रहता है। छः, हम पहले सूरत में रहते थे, जो क्रिया हो गई है रहते थे। फिर है सेवन, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में है, वो क्रिया है, इसीलिए था नहीं, सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है ऐसा नहीं, था ऐसा नहीं लिखा है। तो यहाँ पे देखना है किसे आप भूतकाल का स्वरूप समझ रहे हो, वो हमें देखना है अवश्य। तो उनके बाद की एक्सरसाइज पढ़ेंगे फिर से। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अब्दुल कल आएगा, दो, लड़के शाम को खेलेंगे, तीन, मीना गुड़िया खरीदेगी, चार, डाकिया डाक लाएगा। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा, वह क्रिया होने वाली है ऐसा बोध कराती, करने हो नहीं रही है, होने वाली है, जिसे क्या कहते हैं फ्यूचर, फ्यूचर में ये होने वाला है। भविष्य काल किसको बोलते हैं, जो हमारा इंग्लिश में बोलते हो फ्यूचर, फ्यूचर में हमारा होगा, होने वाली है ये क्रिया, जैसे अब्दुल कल आएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, ऐसे ये सारे सेंटेंस को आपको पकड़ना है, तो ये आप पता लगोगे कि ये क्रिया होने वाली है। मीना गुड़िया खरीदेगी, लाएगा, तो फ्यूचर में हमारा भविष्य काल किसको बोलोगे, जो क्रिया होने वाली हो उसका बोध होता हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। तो बच्चों ज़्यादातर आपको डेफिनेंसी पर ध्यान देना है, तो स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। तो हम दूसरी एक्सरसाइज कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हमने जो सीखा वो है वर्तमान, भूतकाल एंड भविष्य काल, ये तीन काल हमें अच्छी तरह समझने हैं, खास करके उनकी व्याख्या लिखकर फिर आप उनके वाक्य लिखोगे। स्टूडेंट थैंक यू।